शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में है। उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, देश भर में इसकी चर्चा है। इस बीच आर्यन खान ने अपनी आगे की जिंदगी सभी तरह के एडिक्शन से दूर रहकर देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिताने की इच्छा जताई है। जेल में एनसीबी के अधिकारी और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इसी काउंसलिंग के दरमियान आर्यन खान ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि जेल से बाहर आने के बाद ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। दो एनजीओ के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा एनसीबी के कार्यालय और आर्थर रोड जेल में जाकर आर्यन और क्रूज में अरेस्ट किए गए अन्य 7 लोगों की काउंसलिंग की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इसी काउंसलिंग के दरमियान आर्यन खान ने देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी आगे की जिंदगी बिताने की इच्छा जताई है। आर्यन खान काउंसलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आर्यन और अन्य 7 लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। उन्हें ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाने के लिए एनसीबी की ओर से मदद की जा रही है। इन युवाओं को समीर वेंकटेश सहित एनसीबी के अन्य अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थानों के कार्यकर्ताओं की ओर से ड्रग्स से निर्माण बताए जा रहे हैं। इससे व्यक्ति, समाज और देश को होने वाले नुकसान को लेकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। ऐसा करके उन्हें ड्रग से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है। यह एनसीबी की वर्किंग मेथड का एक हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक इस काउंसलिंग में आर्यन खान बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। वे हर बात बहुत गौर से सुनते हैं, उन बातों पर अपनी राय भी जाहिर करते हैं और सुधरने की इच्छा जताते हैं। आर्यन खान गरीबों की मदद के लिए काम करने की इच्छा जताते हैं। आर्यन खान काउंसलिंग के दरमियान अधिकारियों और एनजीओ कार्यकर्ताओं की बातों को बेहद ध्यान से सुनते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आर्यन खान काउंसलिंग के दरमियान समाज के गरीब और वंचित तबके के लोगों के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं। अब आर्यन खान को बेल मिलेगा या नहीं, ये तो एक रहस्य की बात ही रह गई है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें NDC 24। धन्यवाद।